वेलकम बैक टू द अनदर फिल्मी टॉक के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है गाइस। इस एपिसोड में हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे तरह तरह की मूवीज के अपडेट के बारे में। एपिसोड को शुरू करने से पहले बता दूं कि आप अगर को मूवी के अपडेटेड देखने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना गाइस। और एक बात, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हारा भाई यहाँ पे 400 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है गाइस। इसलिए तुम्हारे भाई के चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो गाइस प्लीज़। इसी दिल के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इस एपिसोड की जो सबसे पहले बड़ी न्यूज़ निकल कर आती है वो आ रही है यहाँ पे शाहरुख खान की मचा वेटेड मूवी यानी कि जवान की तरफ से। तो भाई सब जवान को लेकर यहाँ पे सोशल मीडिया पे एकदम यहाँ पे अल्लाह मच रहा है कि भाई सब जवान मूवी यहाँ पे रिमेक होने वाली है यहाँ पे अमिताभ बच्चन की 90s की मूवी यानी कि आखिरी रास्ता का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गई, ये सिर्फ रूमर्स है यहाँ पे, ऑफिशियल अभी हुआ नहीं है कि भाई सब यहाँ पे शाहरुख खान की मूवी जवान इस मूवी का यहाँ पे रिमेक हो गया, फिर इंस्पायर हो गया, ऐसी कुछ खबर नहीं है गई, ये सिर्फ रूमर्स है गई। ये रूमर्स ही रहेगा कि ऑफिशियल अभी खबर आने पर पता चल जाएगा कि जवान मूवी रीमेक है या नहीं। मेरे को तो नहीं लगता कि जवान मूवी रीमेक होगी, क्योंकि शाहरुख खान अब तक यहाँ पे एक भी मूवी रीमेक नहीं किए गए, तो ये भी मूवी रीमेक नहीं हो सकती गई। गाइस इस एपिसोड के अगली बिग न्यूज़ की बात की जाए तो भाई साहब वो निकल कर आ रही है गाइस यहाँ पे पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की मूवी यानी कि आदि पुरुष है। तो भाई साहब आदि पुरुष से आज यहाँ पे सुबह सुबह एक मोशन पोस्टर आया था गाइस, जो कि यहाँ पे कृति सेनन का था गाइस। वो पोस्टर तो यहाँ पे एकदम लाजवाब था गाइस, जो कि ऑडियंस को आया था बहुत ज़्यादा पसंद आया गाइस। और बात की जाए उस मोशन पोस्टर के साथ जो लिरिक्स आए थे गाइस वो तो लाजवाब थे गाइस, यानी कि सोने पे सुहागा हो गया गाइस, यानी मोशन पोस्टर में जो लिरिक्स थे गाइस एकदम लाजवाब है। आ रहा हूँ न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर को चलने। गाइस आप बात कीजिएगा इस एपिसोड के अगली न्यूज़ के बारे में, तो ये कोई न्यूज़ नहीं है गाइस, ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है गाइस मूवीज़ का। जैसे कि यहाँ पे किसी का भाई किसी का जान है पे एजेंट मूवी का PS2 का यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में, तो मैं आप बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे पोनियन सेल्वन 2 का यहाँ पे डे 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जो कि यहाँ पे निकल कर ऑफिशियली आ चुके हैं गाइस। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे गाइस इंडिया ग्रॉस कलेक्शन के बारे में, जो कि लगभग निकल कर आए गाइस यहाँ पे पोनियन सेल्वन 2 का यहाँ पे इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग यहाँ पे 32 करोड़ यानी कि 32 करोड़ इंडिया ग्रॉस कलेक्शन आया गाइस। और बात कीजिएगा इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में, जो कि यहाँ पे निकल कर आए गाइस यहाँ पे 26 यानी कि 26 करोड़ यहाँ पे इंडिया नेट कलेक्शन आया गाइस। और बात कीजिएगा ओवरसीज कलेक्शन यानी कि विदेशी कमाई के बारे में, जो कि यहाँ पे लगभग निकल कर आए गाइस यानी 32 यानी कि 32 करोड़ यहाँ पे विदेशी कमाई हुई है गाइस। और ऐसे करके इस मूवी ने डे 1 में लगभग यहाँ पे 64 करोड़ यानी कि 64 करोड़ की यहाँ पे कमाई कर ली गई, जो कि यहाँ पे डिसेंट कमाई है गई लेकिन डिसअपॉइंट कमाई है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे पोनियन सेल्वन पार्ट 1 ने यहाँ पे 80 करोड़ का यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था गाइस डे 1। तो गाइस आप जानेंगे अगली मूवी के यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है गाइस यहाँ पे अकेला कहने की मच अवेटेड मूवी यानी कि एजेंट के बारे में, जिस मूवी को रिलीज हुए 2 दिन हो चुके गए। इस मूवी का यहाँ पे डे 1 का ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आ चुका है गाइस। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे गाइस यहाँ पे एजेंट मूवी के इंडिया कलेक्शन के बारे में, जो कि यहाँ पे लगभग निकल कर आया गाइस यहाँ पे 6 करोड़ 80 लाख के लगभग इस मूवी ने यहाँ पे इंडिया कलेक्शन किया गाइस। और ओवरसीज कलेक्शन मिला दिया जाए तो इस मूवी ने लगभग डे 1 में अपने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 8 करोड़ 7 लाख के लगभग एक डिसेंट कमाई करके हुए। आप बात करेंगे गाइस अपन इस एपिसोड के आखिरी यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में, जो कि यहाँ पे निकल कर आ रही है गाइस यहाँ पे किसी का भाई किसी की जान मूवी की, जो कि अभी इस मूवी को रिलीज हुए गाइस यहाँ पे 8 दिन से भी ऊपर का समय हो चुका है गाइस। और इस मूवी के अपने डे 8 के यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानेंगे। तो बात कीजिए गाइस इस मूवी के यहाँ पे डे 8 के कलेक्शन के बारे में, जो कि लगभग यहाँ पे निकल कर आए गाइस यहाँ पे 3 करोड़ के लगभग। और ऐसे करके इस मूवी ने अब तक यहाँ पे 8 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग यहाँ पे 153 करोड़ का कर लिया गाइस। और बात की जाए यहाँ पे इंडिया ग्रॉस कलेक्शन, जो कि 8 दिनों में लगभग 110 करोड़ का हो चुका है गाइस। और बात की जाए इस मूवी के यहाँ पे इंडिया नेट कलेक्शन, जो कि 8 दिनों के यहाँ पे लगभग हो चुका है यहाँ पे 92 करोड़ यानी कि 92 करोड़ इस मूवी ने यहाँ पे 8 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया। बस गाइस इस एपिसोड को करते हैं एंड, अगर वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको यह वीडियो में कौन सी ज़्यादा हैप्पी न्यूज़ अच्छी लगी।